हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम सैम एंड जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। और आज का जो टॉपिक है वो है आइनिंग। बहुत जरूरी टॉपिक है, बिल्कुल समझ लेना आइनिंग को करना कैसे है। प्रोसीजर के टाइम पे आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, लेकिन आइनिंग के भी टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर मतलब डिग्री, आइनिंग कितना गर्म करना है। पहली बात तो जब आयन आप लेने जाते हो तो आपको आयन एक अच्छी कंपनी की चाहिए, जिसमें क्या हो, सेरेमिक प्लेट हो। सेरेमिक प्लेट तो आयनिंग आपको चाहिए सेरेमिक प्लेट की, अच्छी कंपनी की लेना, ताकि आपके बाल ज्यादा अच्छे शाइनी हो, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटनिंग डिपेंड है ना, वो इस आइनिंग के ऊपर डिपेंड है। वैसे तो हर पॉइंट स्ट्रेटनिंग का जब आप करने जाते हो तो पहले वॉश से लेकर के और लास्ट तक आपका सब टॉपिक्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन आइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और आइनिंग पे आपको फोकस भी ज्यादा करना है, अगर आइनिंग अच्छी नहीं हुई तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो आइनिंग का टेम्परेचर हर बालों में अलग अलग होगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। हर बालों पे आइनिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। आइनिंग का टेम्परेचर वर्जन थिक हेयर पे, लिख लो वर्जन थिक हेयर पे आइनिंग का टेम्परेचर 230 डिग्री होना चाहिए। जो उसकी हीट होनी चाहिए 230 डिग्री होनी चाहिए। 230 डिग्री किस पे? कर्ली थिक हेयर, वेवी थिक हेयर बट वर्जिन। उसके बाद में आता है हीना कोटेड बाल, डाई हेयर। इस पे भी जो आपकी आइनिंग टेम्परेचर होनी चाहिए 230 डिग्री। हीना कोटेड बाल, डाई कलर्स, कर्ली थिक हेयर, इस पे आपकी जो आइनिंग होनी चाहिए 230 डिग्री। इन शॉर्ट, जब आप यूज करते हो जीरो नंबर या इंटेंस प्रोडक्ट या वेरी रेसिस्टेंट, अगर आप ये क्रीम यूज करते हो तो वहां पे आपकी जो आइनिंग टेम्परेचर रहना चाहिए वो 230 डिग्री रहना चाहिए। रेसिस्टेंट क्रीम तो वहां पे आपकी जो आइनिंग का टेम्परेचर रहना चाहिए वो 200 to 210 डिग्री पे रहना चाहिए। कब कब होना चाहिए? जब आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, नॉर्मल या रेसिस्टेंट। वो किस पे करना है काम? वो करना है फाइन बालों पे, बट वर्जन, फाइन वर्जन हेयर। उस पे कितना क्या होना चाहिए आपकी आइनिंग टेम्परेचर? उस पे आपका आइनिंग टेम्परेचर रहना चाहिए 200 to 210, 200 से 210 डिग्री तक। इतना गर्म होना चाहिए आपकी आयन प्लेट। और उसके बाद में आता है माइल्ड। अभी माइल्ड में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर अच्छा बाल है, थिक बाल है, बट क्वालिटी ऑफ द हेयर इज गुड, कलर्ड बाल है, जैसे माइल्ड का मैंने आपको बताया था, या दो नंबर का शॉस्कॉफ का जो है, जब वहां पे करते हो आप आइनिंग, तो वहां पे आपकी आइनिंग का टेम्परेचर यहाँ डिपेंड करता है। अगर कर्ली थिक हेयर है, कलर्ड है, क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पे आपका 180 तक आयन टेम्परेचर होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर बाल प्री लाइटनिंग किए हुए हैं, प्री लाइटनर, और सेंसिटाइज्ड हैं, या पहले की स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी हो रही है और सेंसिटाइज्ड है, या पहले आयनिंग और ब्लो ड्राई से बाल आपके डैमेज हो चुके हैं, इन दिस कंडीशन आपके आयन का जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 140 to 160 होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर। उसको आपको चेक करना है। आई होप आप लोगों को आइनिंग का टेम्परेचर समझ में आया होगा। सही आइनिंग से ही आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आपने आइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कलर वाले बालों पे आपने 210 या 230 डिग्री पे अगर आपने आइनिंग कर दी, वहां पे भी बाल ड्राई हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना आइनिंग का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।